तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपनी डिलीटेड फ़ोटो वापस कैसे लाए जो आपने डिलीट कर दी थी। जैसे कि मैंने एक फ़ोटो अभी डिलीट करके दिखा देता हूँ आपको। ये फ़ोटो आपको मैं दोबारा से ला के दिखा दूँगा आपको। ये आप मैं अपने एल्बम में क्लिक करता हूँ और देखिए, मैंने ना एक स्क्रीन शॉट ली है, उसको जाके मैं डिलीट मार देता हूँ। डिलीट करने के बाद देखो मैं वापस से फोटो को, तो देखिए दोस्तों मैंने वो फोटो अब वापस से लिया है, आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जा गया एंड देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फोटो मैंने वापस लाई कैसे। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मोबाइल का जो क्रोम ऐप होता है ना, उसमें ये ट्रिक छुपी हुई है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना क्रोम ऐप ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है google.com। जबकि मैं सर्च करता हूँ, देखिए जैसे कि मैंने सर्च किया google.com, google.com मैंने सर्च करा। उसके बाद देखिए ये बटन जो आपको दिख रहा है ना, ये 339 का, ये आपको क्लिक करना है और आपको जाना है ये वाले सेक्शन पे। देखिए दोस्तों, फोटो मैंने डाउनलोड मैंने ले रखे थे, वो सारी फोटो मेरी इधर आ चुकी है। आपको इसके लिए करना पड़ेगा, जैसे कि देखिए दोस्तों अभी ये वाली फोटो है मेरी, ठीक है, इसको मैं जाके गैलरी में से डिलीट मार देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करा डिलीट, देखिए जैसे कि मेरी फोटो डिलीट हो चुकी है कहीं भी नहीं है। उसके बाद आपको दोबारा से इसमें जाना है और देखिए ये फोटो अभी तक इधर है, ये फोटो अभी तक इधर है। फिर आपको इसको अपने फोन में दोबारा लेने के लिए क्या करना होगा, आपको ये कट गया, हाँ आपको ये वीडियो के ना फोटो के, तो देखिए जैसे कि ये हमारी फोटो थी, आपको इस पर इसके ना थ्री डॉट से क्लिक कर रहे हैं इधर, ये जो आपको यहाँ पर थ्री डॉट दिख रहा है ना, ये ऊपर वाले में मत करना, आपको ये नीचे वाले सिंबल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों मत कर लेता हूँ क्लिक, फिर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक डाउनलोड का बटन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए दोस्तों हमारी फ़ोटो देखिए दोस्तों तुरंत डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा ओपन का ऑप्शन। तो ओपन करते ही देखिए दोस्तों ये मेरा स्क्रीनशॉट आ चुका है, अब आपको ये मैं गैलरी में दिखा देता हूँ आप। देखिए दोस्तों ये डाउनलोड फोल्डर में आपका फ़ोटो दोबारा से आ चुका है। तो कुछ यही ट्रिक है जो आपको सीखनी चाहिए, आपको आगे काम आएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरह के आगे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना और कमेंट कर देना।